आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम मैसेंजर बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मैसेंजर बैग स्टिच किया है। देखिए इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ये हमने ओपन किया और एक हमने इस साइड वेलक्रो से पॉकेट दी है। इस साइड अपना कोई भी सामान सेट करते हुए इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए और सेंटर में हम देखिए जिप से इसको ओपन कर लेंगे। और इसमें भी अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है। एक हमने इस साइड यहाँ पर इनर पॉकेट स्टिच की है, इसको भी ओपन करेंगे और इसमें भी अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। इस साइड भी अपने सामान को सेट करते हुए इसको जिप से यहाँ से लॉक कर दीजिए। और दूसरी साइड में हमने दो ओपन पॉकेट दी है, यहाँ पर भी अपने सामान को आप सेट करते हुए आप रख सकते हैं। और इस साइड अपने सामान को सेट करते हुए इसको जिप से यहाँ से लॉक कर दीजिए और इस फ्लैप से हम देखिए इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे। और बैक साइड में हमने एक जिप से पॉकेट दी है, इसको भी हम ओपन करेंगे और इसमें भी अंदर की साइड में देखिए काफ़ी स्पेस दिया है। इस साइड भी अपने सामान को सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए और इस बैग से इसको क्रॉस करके कैरी करेंगे। ये बैग काफ़ी यूनिक लगता है देखने में फ्रेंड्स। इस बैग को आप जरूर स्टिच करिएगा। इस बैग को हमने लेदर फैब्रिक से स्टिच किया है, बट आप किसी भी फैब्रिक से इस बैग को स्टिच कर सकती हैं, बस उस फैब्रिक में थोड़ी शाइन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी हैंड बैग, ट्रेवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस बैग को परचेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा मैसेंजर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज हम ये मैसेंजर बैग स्टिच करेंगे, लेट्स स्टार्ट द वर्क। तो फ्रेंड्स, मैसेंजर बैग बनाने के लिए हमने टू मेन फैब्रिक्स लिया है। फ्रेंड्स, ये हमने लेदर फैब्रिक्स लिया है, बट आप किसी भी फैब्रिक से इस बैग को स्टिच कर सकती हैं। इसमें हमने देखिए लेदर फैब्रिक को, फोम को और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस पीस को रेडी किया है। ऐसे ही हमने सारे पार्ट्स स्टिच करके रेडी किए हैं। तो हमें 9x11 का टू मेन फैब्रिक्स लेना है और 9x11 का हमें टू प्लेन पीस लेना है। और इसमें हमने 7 इंच की जिप को और 7x14 के प्लेन पीस को लेते हुए एक इनर पॉकेट को स्टिच कर लिया है। इस पॉकेट को कैसे स्टिच करना है अभी हम आपको बताएंगे। तो हमें 9x11 का टू प्लेन पीस लेना है और ये हमने 8x10 का एक मेन फैब्रिक लिया है। 8x10 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और एक हमें ये प्लेन पीस लेना है 8x10 का। और ये हमने 8x9 का एक मेन फैब्रिक लिया है। 8x9 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और ये हमने 9x16 का एक प्लेन पीस लिया है। 9x16 का हमें एक प्लेन पीस लेना है और ये हमने 7x14 का एक प्लेन पीस लिया है। 7x14 के फ्रेंड्स हमें टू प्लेन पीस लेने हैं। एक हमने देखिए इनर पॉकेट में स्टिच कर लिया है और एक अभी हमें स्टिच करना है। तो हमें 7x14 का टू प्लेन पीस लेना है और ये हमने 7x9 का एक प्लेन पीस लिया है। 7x9 का हमें एक प्लेन पीस लेना है और ये हमने 1.5x9 के थ्री मेन फैब्रिक्स लिए हैं। देखिए 1.5x9 के हमें थ्री मेन फैब्रिक्स लेने हैं और ये हमने 7 इंच की एक जिप ली है। 7 इंच की भी हमें टू जिप लेनी है। एक हमने इनर पॉकेट में स्टिच कर ली है और एक अभी हमें स्टिच करनी है। तो हमें 7 इंच की टू जिप लेनी है और ये हमने 9 इंच की एक जिप ली है और इसमें हमें सिंगल रनर डालना है। और ये हमने 2 इंच का एक वेलक्रो लिया है। 2 इंच का हमें एक वेल्क्रो लेना है और ये हमने 4 इंच की टू बेल्ट ली है। 4 इंच की हमें टू बेल्ट लेनी है और ये हमने 55 इंच की एक बेल्ट ली है। 55 इंच की हमें एक बेल्ट लेनी है और ये हमने 2 डी रिंग लिए हैं और 1 एडजस्टर लिया है। 2 हमें डी रिंग लेने हैं और 1 हमें एडजस्टर लेना है और 2 मैग्नेट्स लेने हैं हमें। 2 हमें ये मैग्नेट्स लेने हैं। सबसे पहले हम 7x9 का ये प्लेन पीस लेंगे और 1.5x9 का जो हमने 3 मेन फैब्रिक्स लिया था उसमें से हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और ये हमें 2 इंच का वेलक्रो लेना है। और इस वेलक्रो को हम देखिए ओपन करेंगे और इसमें से एक पार्ट को लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे।
वेलक्रो में हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब इस पार्ट को लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें भी हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इसमें भी हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब जो ये वेलक्रो है, वेलक्रो को हम देखिए इसमें सेट करेंगे सेंटर के मार्क से मिलाते हुए। यहाँ पर हम देखिए इसको सेट करेंगे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके इस वेलक्रो को हम अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें सेंटर में ऐसे सेट करते हुए स्टिच करना है और इसको हमें इसमें अटैच करना है। वेलक्रो को स्टिच करके हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए ये हम प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस का ये राइट साइड है और ये इस फैब्रिक का राइट साइड है और दोनों पार्ट्स को हम देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने दोनों पार्ट्स को देखिए अटैच कर दिया है। अब इसको हम ऐसे बैक साइड में करेंगे और यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लेंगे और इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने सीधे स्टिच कर लिया है और अब हमें 8x9 का ये मेन फैब्रिक लेना है और इसको हम पहले 9 की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है और इस पीस में हमने देखिए ये सेंटर का मार्क लगाया है। दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा और दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। अब हम सीधे स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने सीधे स्टिच कर लिया है और हमने देखिए इस साइड से भी स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। देखिए बैक साइड में ये पार्ट नीटली अटैच हो गया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करके इस साइड यहाँ पर चौक से सेंटर का मार्क लगा लेंगे। ये हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। 9x11 का एक मेन फैब्रिक लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करके इसमें भी सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इस साइड हमने देखिए इसमें सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब इस पार्ट को लेंगे और इसको हम देखिए बॉटम से सेट करेंगे। इस सेंटर के मार्क को थोड़ा सा ऐसे ऊपर भी ऐसे मार्क कर लेंगे। अब इस पार्ट को लेंगे और इसको हम देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए बॉटम से इसको सेट करेंगे। देखिए बॉटम से दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करना है और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए इसको यहाँ पर सेट करके पिनअप करना है। पिन से हमने देखिए इस पार्ट को सेट कर दिया है और अब देखिए हम वेलक्रो का ये दूसरा पार्ट लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें भी हम सेंटर का मार्क लगा देंगे। इस साइड हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब इस वेलक्रो को हम ये जो वेलक्रो अटैच किया था इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और इसमें देखिए अटैच कर देंगे। अब इसको हम देखिए ऐसे पलट के इस साइड कर लेंगे और इस पार्ट को हम देखिए वेलक्रो को ऐसे इसमें से ओपन कर लेंगे। ये हमने देखिए ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम वेलक्रो को स्क्वायर शेप में स्टिच करके पहले अटैच कर देंगे, इसके बाद हम इस पार्ट को स्टिच करके अटैच करेंगे। वेलक्रो को इस साइड हमने स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए इस पार्ट को ऐसे करेंगे और ऐसे थ्री साइड से स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। इस पार्ट को हमने देखिए ऐसे स्टिच करते हुए इसमें अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको भी हमने कट कर लिया है और अब देखिए ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ पर बन के रेडी हो गई है। इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे और अब हमें 9x11 का ये दूसरा मेन फैब्रिक लेना है और इसको भी ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इसमें हमने देखिए सेंटर का मार्क लगा लिया है और सेंटर के मार्क से 1.5 इंच नीचे की साइड में डाउन करेंगे। ये हमने डाउन किया और ये सेंटर का मार्क है। 7x14 का ये हम प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस को ऐसे फोल्ड करके इसमें भी हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे। प्लेन पीस पे भी सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब इस प्लेन पीस को देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हम सेट करेंगे और एक पिन लगा लेंगे। पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है। अब प्लेन पीस में हम 1 इंच नीचे की साइड में डाउन करेंगे। ये हमने 1 इंच पे डाउन किया और सेंटर के मार्क से हम 3 इंच इस साइड से और 3 इंच इस साइड से, यानी हम 6 इंच पे यहाँ पर सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने 6 इंच पे सीधे मार्क कर लिया है। अब हाफ से हाफ इंच इस साइड से और हाफ से हाफ इंच इस साइड से मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे।
मार्क करके हमने देखिए एक बॉक्स बना लिया है। अब बॉक्स के चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जो सेंटर में हमने 6 इंच में मार्क लगाया था उसमें हल्का सा ऐसे कट लगा लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे। अब हम सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लेंगे। सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में हमने वी शेप में कट कर लिया है। अब इस प्लेन पीस को हम बैक साइड में पिन अप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए बैक साइड में सेट कर लिया है और अब हमें 7 इंच की ये जिप लेनी है और इस जिप को हम देखिए ऐसे रखेंगे। राइट साइड अंदर की साइड में होगा और इसको हम ऐसे फ्रंट साइड में कर लेंगे। अब जिप को सेट करते हुए हम राउंड में स्टिच कर लेंगे और इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। जिप को सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब हम बैक साइड में आएंगे और पिन को ओपन कर लेंगे। अब इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। अब हम 3 साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को यहाँ से लॉक कर देंगे और ये जो मेन फैब्रिक है इसे हटाते हुए हम 3 साइड से स्टिच कर लेंगे। 3 साइड से स्टिच करते हुए इस प्लेन पीस को हमने लॉक कर दिया है। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और ये पॉकेट हमारी यहाँ पर स्टिच हो गई है, इसको हम लॉक कर देंगे। और अब हमें 8x10 का ये हमें मेन फैब्रिक लेना है और ये प्लेन पीस लेना है। और इस फैब्रिक में हमने देखिए सेंटर में ब्रॉच को अटैच कर दिया है। आप कोई भी फैंसी चीज़ यहाँ पर अटैच कर सकती हैं। और इसमें हमने देखिए एक साइड से दोनों साइड से यहाँ पर देखिए शेप में कट कर लिया है। हल्का सा देखिए शेप देना है एक साइड से और एक साइड से हमें नहीं देना है। और पहले हम प्लेन पीस को लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे। प्लेन पीस में सेंटर का कट लगा लिया है। अब देखिए इसके एक कॉर्नर पे हम यहाँ पर इस साइड से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 1.5 इंच पे मार्क किया और इस साइड से भी हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है। इस साइड फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मैग्नेट के एक पार्ट को अटैच करना है। तो ये हमने देखिए 2 मैग्नेट्स लिए हैं, इसमें से हम पहले ओपन कर लेंगे और एक एक पार्ट्स दोनों मैग्नेट से लेंगे। एक पार्ट इसमें से और एक पार्ट इसमें से। मैग्नेट के एक जैसे दोनों पार्ट्स हमें लेने हैं और यहाँ पर अटैच करना है। तो हम देखिए एक जैसे दोनों पार्ट्स लेंगे और ये मैग्नेट्स के पेज को लेंगे और इस पेज को लेते हुए हम यहाँ पर मार्क वाले पॉइंट पे ऐसे सेट करेंगे। देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर हम पहले पेन से मार्क कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर पेन से मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम होल करेंगे और मैग्नेट के एक पार्ट को इस साइड से और ऐसे ही इस साइड भी हम मार्क करके दूसरे मैग्नेट को इस साइड यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों मैग्नेट्स को हमने देखिए यहाँ पर अटैच कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फोम को लेते हुए यहाँ पर मैग्नेट को अटैच किया है। प्लेन पीस में जब भी हम मैग्नेट अटैच करेंगे तो पहले हम देखिए फोम को लगाएंगे, इसके बाद पेज को लगाते हुए यहाँ से ऐसे इसको लॉक कर देंगे। और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और जिस साइड हमने देखिए शेप दिया है उस साइड ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हम सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब इस पार्ट को लेंगे और इसको हमें ऐसे रखना है। देखिए दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा और दोनों सेंटर के कट को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है। अब हम इस साइड आएंगे और यहाँ पर ऐसे हम शेप में स्टिच करते हुए इस प्लेन पीस को मेन फैब्रिक में अटैच कर देंगे। 3 साइड से स्टिच करते हुए हमने देखिए इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब जो प्लेन पीस का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड दोनों साइड से जो हमने शेप दिया है यहाँ पर हल्का हल्का ऐसे कट लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने कट लगा लिया है। अब देखिए इस साइड से जो ओपन है यहाँ से हम इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। इसको पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से ऐसे शेप में स्टिच करके इसमें दाब सिलाई देंगे और ये जो ओपन पार्ट है इसको भी स्टिच करके लॉक कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए इस पार्ट में हमने देखिए स्टिच करके रेडी कर लिया है और जो ओपन पार्ट था इसको भी स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड हम सेंटर का कट लगा लेंगे। इसमें हमने सेंटर का कट लगा दिया है और अब हमें ये वाला पार्ट लेना है जिसमें हमने जिप को अटैच किया था।
और इसको हमें ऐसे रखना है। पहले इस पार्ट को हम लेंगे और यहाँ पर सेंटर के मार्क से 1.5 इंच नीचे की साइड में डाउन करेंगे। ये हमने डाउन किया और इस पार्ट को लेंगे और इसको हम देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए और 1.5 इंच ऐसे डाउन करते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद इस फ्लैप को हम ऐसे ऊपर की साइड में करते हुए यहाँ पर हम स्टिच करके दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड हमने देखिए फ्लैप को स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। और अब देखिए इस फ्लैप को हम ऐसे कर लेंगे और ये दूसरा पार्ट लेंगे 9x11 का और इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे। दोनों पार्ट्स को देखिए सेट करेंगे और ऐसे हम 3 साइड से स्टिच करते हुए दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए अटैच कर दिया है। अब देखिए इस साइड से हम ये जो कॉर्नर है इसको ओपन करेंगे, इसको देखिए ऐसे ओपन करेंगे और इसको ऐसे सेट करेंगे और कॉर्नर पे हम यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे कॉर्नर से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। ये हमने 1 इंच पे देखिए मार्क कर लिया है। इस साइड हम स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी मार्क करके स्टिच करके दोनों कॉर्नर्स को लॉक कर देंगे। दोनों कॉर्नर्स पे हमने देखिए 1 इंच पे मार्क करके इस साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब इसको भी पलट के हम सीधी साइड कर लेंगे। इसको पलट के हमने देखिए सीधी साइड कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स जो स्टिच लाइन है स्टिच लाइन पे हम इस साइड से यहाँ पर 2 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने 2 इंच पे डाउन किया, ये देखिए ये डाउन किया और ये हम 4 इंच की बेल्ट लेंगे और इस बेल्ट को हम देखिए ऐसे रखेंगे। जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे हम देखिए सेंटर में ऐसे सेट करते हुए इस साइड से यहाँ पर स्टिच करके अटैच करेंगे और इसके बाद इस बेल्ट में हम डी रिंग को देखिए ऐसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करते हुए और इस बेल्ट को हम ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर शेप पे स्टिच करके साइड हम इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे ही हम दूसरी बेल्ट को डी रिंग के साथ यहाँ पर इस साइड इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए डी रिंग के साथ में बेल्ट को यहाँ पर स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब हमें 9x11 का ये प्लेन पीस लेना है और 9x16 का ये प्लेन पीस लेना है और इस प्लेन पीस को हम देखिए 16 की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे। प्लेन पीस में हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब सेंटर के मार्क से इस साइड हम देखिए ऐसे सीधे मार्क कर लेंगे, इस साइड हमने सीधे मार्क कर लिया है। अब इस प्लेन पीस को हम देखिए इसमें ऐसे रखेंगे। ये प्लेन पीस का देखिए रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। इस प्लेन पीस के ऊपर इसको हम ऐसे सेट करेंगे बॉटम से और यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे और सेंटर पे जो मार्क किया है यहाँ पर डबल स्टिच करते हुए साइड स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। इस प्लेन पीस को हमने देखिए ऐसे स्टिच करते हुए अटैच किया और सेंटर में डबल स्टिच करके सेंटर से लॉक कर दिया है और 2 पॉकेट्स इस साइड हमारे यहाँ पर स्टिच हो गए हैं। और अब हमें 1.5x9 का ये 2 मेन फैब्रिक्स लेना है और 9 इंच की ये हमें जिप लेनी है और इस जिप को हम देखिए इस प्लेन पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे। जिप का राइट साइड हमारा देखिए ऊपर की साइड में होगा और प्लेन पीस के ऊपर जिप को ऐसे रखेंगे और इस मेन फैब्रिक को हम जिप के ऊपर ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद इसको बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। मेन फैब्रिक और जिप को हमने देखिए प्लेन पीस में स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे स्टिच करना है और इसमें हमें दाब सिलाई देनी है और अब हमें ये दूसरा प्लेन पीस लेना है 9x11 का जिसमें हमने इनर पॉकेट को स्टिच किया था और इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। राइट साइड अंदर की साइड में होगा और जिप का राइट साइड देखिए हमारा ऊपर की साइड में रहेगा और दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करेंगे
और ये जो दूसरा मेन फैब्रिक है इसको हम जिप के ऊपर ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर इसको भी स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम लाफ सिलाई दे देंगे। जिप की दूसरी साइड में भी हमने देखिए इस फैब्रिक को स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। अब हम जिप में रनर डालेंगे, ये रनर लेंगे और जिप में हम रनर डालेंगे। जिप में हमने रनर डाल लिया है और अब देखिए इस फैब्रिक को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे, दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर एक साइड से 6 इंच का यहाँ पर देखिए ऐसे गैप छोड़ देंगे। 6 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें पूरा ऐसे यहाँ तक स्टिच करके अटैच करना है। देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, इसके बाद इस साइड यहाँ पर ऐसे स्टिच करते हुए दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर देंगे। सिक्स इंच का गैप छोड़ते हुए हमने देखिए ऐसे यहाँ तक स्टिच किया और ऐसे यहाँ तक स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को हम देखिए ओपन करेंगे और इस साइड भी हम देखिए यहाँ पर प्लेन पीस में 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसको भी स्टिच करके लॉक करेंगे। तो हम देखिए कॉर्नर को ओपन करके यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे, ये हमने देखिए मार्क कर लिया है। अब इस साइड हम स्टिच करके इसको लॉक कर देंगे और ऐसे ही दूसरे कॉर्नर को ओपन करते हुए साइड पे स्टिच करके इस प्लेन पीस को साइड से लॉक कर देंगे। दोनों कॉर्नर्स को हमने देखिए स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने दोनों साइड से कट कर लिया है और अब हम जिप को ओपन करेंगे। ये हमने देखिए जिप को ओपन किया और ये वाला पार्ट लेंगे जिसको अभी हमने स्टिच किया था और इस फैब्रिक को देखिए ऐसे कर लेंगे। जो ये पॉकेट हमने इनर पॉकेट स्टिच की थी वो हमारी इस साइड आएगी, फ्रंट साइड में आएगी और ये पार्ट हमारा फ्रंट साइड का है और इसको हम देखिए ऐसे करते हुए इसके अंदर सेट करेंगे। इसके अंदर हमने देखिए इसको सेट कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो स्टिच लाइन है, स्टिच लाइन को दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे और ऐसे इस साइड आएंगे और इस साइड भी दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है। अब इसे हम राउंड में स्टिच कर लेंगे और इसमें हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करते हुए हमने देखिए दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब देखिए जो हमने 6 इंच पे यहाँ पर गैप छोड़ा था इस साइड से हम इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। इसको पलट के हमने देखिए सीधी साइड कर लिया है। अब जो ओपन पार्ट है इसको अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड हम स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने ओपन पार्ट को लॉक कर दिया है। अब इस प्लेन पीस को हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए इसके अंदर सेट कर लिया है। अब स्टिच लाइन को हम देखिए ऐसे सेट कर लेंगे और यहाँ पर राउंड में स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। राउंड में स्टिच करते हुए हमने देखिए इसमें दाब सिलाई दे दी है और ये पार्ट देखिए नीटली अटैच हो गया है और अब हम देखिए इस फ्लैप को ऐसे करेंगे और फ्रंट साइड में ऐसे सेट करेंगे। देखिए ऐसे सेट करेंगे और ये जो मैग्नेट है दोनों मैग्नेट्स पे हम देखिए ऐसे चौक लगा लेंगे, दोनों में हम ऐसे चौक लगा लेंगे और इस फ्लैप को हम देखिए ऐसे यहाँ पर सेट करेंगे। इस फ्लैप को थोड़ा सा लूज रखते हुए हमें सेट करना है और यहाँ पर ऐसे प्रेस करना है। अब देखिए इस साइड दोनों साइड से देखिए मार्क हो गया है चौक का। यहाँ पर हमें दूसरे मैग्नेट को अटैच करना है। ये जो मैग्नेट हमने अटैच किया था इसका दूसरा जो पार्ट है इसको यहाँ पर अटैच करना है। ये जो मार्क है, मार्क वाले पॉइंट पे हम इस पेज को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर पहले हम पेन से मार्क करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मैग्नेट को अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमें देखिए दोनों मैग्नेट्स को अटैच कर दिया है। देखिए इस पॉकेट को ओपन करते हुए हमें मार्क वाले पॉइंट पे होल्ड करके दोनों मैग्नेट्स को अटैच करना है और ये फ्लैप हमारा देखिए इस साइड से यहाँ से लॉक हो जाएगा, इस साइड से और इस साइड से देखिए लॉक हो गया है। और अब हमें 55 इंच की ये बेल्ट लेनी है और ये एडजस्टर लेना है। एडजस्टर में हम देखिए बेल्ट को ऐसे डालेंगे और दूसरी साइड से बाहर की साइड से ऐसे निकाल लेंगे
और इस साइड थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे बेड को और यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए डबल स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। डबल स्टिच करते हुए साइड से हमने देखिए बेड को लॉक कर दिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे सेट करेंगे। सेट करते हुए इस साइड से हम देखिए डी रिंग में ऐसे डालेंगे बेड को, इसको हम ऐसे बाहर की साइड में निकाल देंगे और ये जो स्टिच लाइन है ये देखिए हमारी ऊपर की साइड में होनी चाहिए और इस बेड को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और इस एडजस्टर से ऐसे बाहर की साइड में बेड को निकाल लेंगे। देखिए इस साइड हमारी बेल्ट यहाँ पर सेट हो गई है। अब इस साइड वाले पार्ट को हम देखिए डी रिंग में ऐसे डालेंगे और इस साइड भी हम थोड़ा सा बेल्ट को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सेट करते हुए डबल स्टिच कर लेंगे और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। इस साइड भी हमने डबल स्टिच करते हुए बेल्ट को लॉक कर दिया है और अब हमारा ये मैसेंजर बैग बन के रेडी हो गया है। इसको हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे और एक हमारे यहाँ पर वेलक्रो से पॉकेट आ गई है, इसको हम लॉक कर देंगे और एक सेंटर में जिप से पॉकेट है। देखिए इसके अंदर भी एक हमारी इनर पॉकेट आ गई है और टू हमारी इस साइड यहाँ पर ओपन पॉकेट है। इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे और इस फ्लैप को हम देखिए ऐसे मैगनेट से लॉक कर देंगे दोनों साइड से और बैक साइड में भी हमारी जिप से पॉकेट आ गई है और इस बेल्ट से क्रॉस करके कैरी करेंगे। फ्रेंड्स ये बैग काफ़ी यूज़फुल है और देखने में काफ़ी यूनिक लगता है। फ्रेंड्स इस बैग को आप जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये मैसेंजर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।